गुड आफ्टरनून। कितने बज रहे हैं पता है? 12:30, 12:30। और पता है मैं क्या बना रही हूँ? खाना। मतलब मेरा भाग्य है कि मुझे अरसों में टाइम मिला है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, वीडियोस भी मेरे जा नहीं पाए हैं बीच बीच में, और एक एक दो दो दिन की गैप हुई है। कल भी आई थिंक एक गैप हुई है, और नर्सों भी एक गैप हुई थी। परसों मैंने वीडियो डाला था। वीडियो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एब्सोल्युटली फ्री। मैं खाने में क्या बना रही हूँ आपको शेयर करती हूँ। पहले सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, 1 मिनट का काम नहीं होता। उफ्स, हे राम। आप में से जो जो मस्टर्ड ऑयल खाते हैं ना, सरसों का तेल, कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता। हैंड्स ऑफ टू यू। बहुत अजीब स्मेल करता है यार, मतलब जिनको आदत नहीं है ना, ख़राब हो जाता है दिमाग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रॉ एंड वाइल्ड स्मेल करता है पता है। तो अभी है ना, जस्ट तेल का दाग मेरी ड्रेस में लगा है यहाँ पे। अभी मैंने बॉटल आपसे बात करते करते एक हाथ से फोड़ा था, दाग देखो मेरे वाइट ड्रेस में लग गया है। अब निकलेगा कि नहीं पता नहीं, बताओ मुझे आप ही, निकलेगा कि नहीं पता नहीं। तो ये नई बॉटल मैंने कल ऑनलाइन ऑर्डर की थी सरसों के तेल की, बिकॉज़ सुना है सरसों का तेल काफ़ी हेल्थी होता है। ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा तो हीट देने वाला होता है, लेकिन हेल्दी होता है। तो सोचा कि चलो हम थोड़ा थोड़ा खाने में ट्राई करेंगे। तो ना आज मैं हरे चने, जो आपने मेरे वीडियो में देखे हैं ना लास्ट टाइम, तो उसमें से हरे चने मैंने भिगाए, उनको आज बॉईल करने के लिए डाला है। तो सोचा नमक एंड थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हूँ, खाना बनता है सरसों के तेल। अब इसको बस मुझे बॉईल ही करना है। आपको कोई भी चीज़ जल्दी बॉईल होनी चाहिए ऐसा लग रहा है तो हल्का सा तेल डाल लो। दाल भी जब पकाओगे तो तेल डाल दो, राजमा पकाओगे तो थोड़ा तेल डाल दो, तो जल्दी कुक हो जाता है। इट हेल्प्स, आई डोंट नो लॉजिक क्या है बट इट हेल्प्स, सुना है। सो मैं उसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ एंड उसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। काफ़ी ब्राइटनेस आ रहा है यार। ओके, बॉईल हो जाएगा तो आपको कुकर का ढक्कन लगाने से पहले दिखा लेती हूँ। देखो सरसों का तेल का कलर, एंड आई डोंट नो ये कैसे टेस्ट करेगा, ज़िंदगी में ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। सो जब तक मेरे चने बॉईल हो रहे हैं, फ्लैश अपने आप से चालू हो गया पता नहीं, तो तब तक मैं कैरी खा रही हूँ। मैंने मार्केट से कैरी लाई थी, 8 दिन हो गए मैंने छुआ तक नहीं था, और आज इतना छू लिया कि मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाली हूँ उसे। सो चने बॉईल होने तक ये, एंड बाय द वे मेरा पैर जो आपको बताया था ट्विस्ट हुआ था, उसकी अपडेट ऐसी है कि अब तक ठीक नहीं हुआ है। आज मैं फाइनली हमारे यहाँ पे एक मौसी है उसको दिखाऊंगी, एंड अगर ठीक हो पाया तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हो पाया फिर कल परसों तक मैं एक्सरे निकाल लूँगी। क्या हफ्ता तो मैं रुकी हूँ, ऑलमोस्ट कुछ नहीं हो पाया। कैरी, हेलो, कैसा आप सब लोग? आई होप यू डूइंग सुपर 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 वेल। एंड बाय द वे, हम दोपहर के बाद सीधे मिल रहे हैं रात में, रात के अभी बज रहे हैं 10:15 अराउंड, और मैं नीचे खाना खाने के लिए बैठ रही हूँ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखा ही नहीं पाई क्योंकि वो सब होने के बाद मौसी आई, मौसी ने मेरा पैर ठीक करने की कोशिश की जैसे मैंने आपको बताया था, एंड बालों का बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रहा है। बढ़िया, पैर ठीक करने की कोशिश की एंड 50% मेरा पैर ठीक हो गया है। जब मैं कल करूँगी ना तब मैं वीडियो दिखाऊँगी आपको, मैंने आज वीडियो तो बनाया नहीं बट कल मैं आपको दिखाऊँगी उन्होंने किस तरह से मेरा पैर ठीक किया है। दिस इज़ ऑल लाइक यू नो गाउटी टाइप का इलाज है ये, बिल्कुल डॉक्टर वाला इलाज नहीं है ये, बट मुझे अच्छा लगा, रिलीफ मिला, बहुत रिलीफ मिला। 50% आई एम ओके नाउ, अब 2-3 दिन और करूँगी तो और सही हो जाऊँगी। सो वो होने के बाद मैं तुरंत सो गई क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं और ज़्यादा यू नो यहाँ वहाँ घूमना फिरना करूँ। मैंने सोचा मैं ब्रेस्ट लेती हूँ अच्छे से, हम देखते हैं उठने के बाद क्या होता है, बट उठने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आया। फिर अखिल आया था, अपने चाय वाय पी, सब हुआ, शाम को थोड़ी सी बिजी थी, कोई आया था घर पे, फिर रात में मैंने खाना बनाया।
और अकील को बोला था खाना खाने आओ, बट वो खाना खाने आया नहीं। सो मैं भी अपना खाना लेके बैठ, पूरा स्प्राउट ही स्प्राउट का दिन है आज। सुबह मैंने चने करे थे, अभी मैंने जो लाल चौड़ी आपको बताई थी ना, लाल चौड़ी छोटी सी मूंग के जैसी, वो वाली बनाई है। पापड़ है एंड प्याज है, मैं आपको दिखा। दिस इज़ माई डिनर फॉर टुडे। मैं चपाती बनाने वाली थी, बट अकील ने अपना प्लान आने का स्किप कर दिया, वो खाना खाने नहीं आ रहा है। सो आई जस्ट थॉट कि जो चावल बनाया मैं वहीं से काम चला लूँगी, और अपने लिए खास चपाती अभी नहीं बनाऊँगी। खाना खा लेती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ, क्योंकि आपको कुछ बताना है, थोड़ा लंबा जाएगा बातचीत। तो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे। तो आई एम ऑल सेट टू गो, ऋत्विक से मिलने जा रहे हैं आज। उस दिन भी खाना खा के हो गया है मेरा, और मैं आपको वही बता रही थी उस टाइम पे कि कुछ बताना है, ज़्यादा बड़ा बताना है। लाइट बंद कर दी। सो यही मुझे बताना था कि हम ऋत्विक से मिलने जा रहे हैं, और मैं एकदम भयानक से दिख रही हूँ, बट मैं अभी कुछ ज़्यादा रेडी नहीं होना चाहती। मैंने ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहना है, दैट इज़ इट। और ऋत्विक के लिए आज हमने कुछ स्पेशल लाया है। तो एक तो मैंने ये भी चीज़ लाई थी, वो मैंने आपको खोल के नहीं देखी है, और एक तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक ब्रश ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से, क्योंकि उसने मेरे पास एक दो बार बोला था कि मुझे इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेना है लेना है लेना है। तो मैंने ओरल बी का उसके लिए ऑर्डर किया, एंड मैंने इसको खोल के देखा है, बट अभी मैं जब उसके पास जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी खुला हुआ। मनी मैंने चालू करके हेड वेड सब चेंज करके सब कुछ करके उसका देख लिया था कि ये चल भी रहा है या नहीं। सो इसकी MRP 1600 है, बट मुझे 1500 में पड़ा था, 100 rupees का डिस्काउंट मिला था। वेरी एक्साइटेड, ऑलरेडी मैंने उसको कॉल पे बता दिया था, तो वो पागल हो रहा है वहाँ पे, कह रहा है कि मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ लेके। तो आई एम लाइक आ रही हूँ निकल रही हूँ, कब से उसको यही बोल रही हूँ, वो बिल्कुल भी वहाँ से सुन नहीं रहा है। रोने को स्टार्ट किया था कि मैं अब तक क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई, दो बार फ़ोन कर चुका है। सो ये मैंने उसके लिए लिया है सरप्राइज़, सरप्राइज़ ही मैं रखने वाली थी बट नहीं रख पाई, सोचा एक बार इसको दिखा ही दूँ। तो और एक चीज़, ओह माय गॉड, और इसके साथ ही साथ मैंने और एक चीज़ ऑर्डर की है उसके लिए, टिफ़िन बॉक्स ऑर्डर किया है बर्गर के शेप का, तो मैं वो भी एक बार खोल के देख लेती हूँ। और मैंने उसको स्कूल के हिसाब से लाया था, क्योंकि उसका टिफ़िन जो है ना वो पुराना हो गया, पुराना वाला टिफ़िन उसका 6-8 महीने यूज़ किया होगा। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लेट भी हो रहा है ना, गर्मी भी बहुत हो रही है। किसी सिर्फ फोटो में छोटा दिख रहा था बट एक्चुअल में बड़ा है। लेट्स गो, दिस इज़ द टिफिन, बर्गर का पूरा शेप है, यहाँ से खोलना है। क्वालिटी मुझे नहीं पता, मैं इसको अभी नहीं खोलूँगी, एक बार उसके पास लेके जाऊँगी। मेड इन चाइना है, आई एम सो सॉरी। सो ये कौन से ब्रांड का है पता है, फूडिक ब्रांड का है, एंड ब्यूटीफुल सा बर्गर शेप है। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स है, एक ये नीचे वाला, ये बीच वाला एंड ये ऊपर वाला। सो 3 कंपार्टमेंट्स उन्होंने मुझे जब मैंने पिक देखा था तब दिखाए थे। सो दिस इज़ इट, मैं इसको अभी रख देती हूँ, इसको मैं नहीं लेके जाऊँगी। एंड उसके लिए मैंने ना ये जो लास्ट टाइम आपको मैंने मेरी शॉपिंग वाली लिस्ट में दिखाया था, मक्का, मक्के का चिवड़ा बताया था ना, वो मैंने उसके लिए बनाया, देखो कितना सारा, वो मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ, बिकॉज उसे मक्के का चिवड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं पापड़ फ्राई कर रही थी तब मेरे दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन आया कि आई शुड मेक हिम मक्के का चिवड़ा, क्योंकि थोड़ा गर्म है। वैसे मैंने खुला हुआ ही छोड़ा था, बट नीचे नीचे का ना थोड़ा गर्म है। ए वो एकदम दाबले की स्लो, मक फास्ट, मक स्टॉप, दाब क्लीन करताना ना हे हेड फक्त काढ, हे नको पाण्यात टाकू, एक मोटर आहे, हे हेड फक्त असं काढ आणि धुवून, आणि मग असं लावायचं, त्याला खटक लावायचं, फक्त खेचताना असं खेचायचं डायरेक्ट।
दाखव चार्जिंगला कसं लावायचं. हळू हळू. ओके झालं. आणि ती वायर अटॅच करायची. ओके व्हेरी गुड. वरती घे ना वरती त्या बाजूला साईडला. हार्ट हार्ट कुठे चाललाय तो. ओ माय गॉड. बनव पहिले. हा हा हार्ट. ओके हा तुटला. जम शिकलो रे बोबड्या. बैक होम. और आई थिंक चॉकलेट लगी है मेरे लिप्स पे क्योंकि आते आते वी हैड डार्क चॉकलेट वाला मस्त आइसक्रीम का कोन. फिर एक कप भी लिया था अखिल ने बेल्जियम चॉकलेट वाला. फिर आई हैड दैट रास्पबेरी कैंडी जो मुझे बहुत पसंद है. अखिल हैड वन मोर कुल्फी. बहुत सारे कैलोरीज बढ़ा के आए हैं एंड रीच्ड होम. अब सोने वाले हैं. ऋत्विक से मिलके आ गए. बहुत मज़ा आया. वो जल्दी घर आने वाला है एंड उसकी छुट्टियाँ अब लगभग ख़त्म होने की तादाद पे है. बट नाउ ही इज़ मतलब सेटिस्फाइड रह के खुद ही बोल रहा है कि मैं आऊँगा सैटरडे संडे आऊँगा ऐसे बोल रहा है. बट मैं उसको सैटरडे संडे लाऊँगी नहीं. मैं उसको होपफुली 1 तारीख तक लाऊँगी बिकॉज मेरी बैटरी लो हो गई थी. तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज़ सोचो उसे कोई क्लासेस लगा दूँ थोड़े 7-8 दिनों के एंड फिर उसको घर लाऊं. तो दिस इज़ द प्लान. अब देखते हैं क्या होता है. बट हम मिलेंगे अब कल के नए व्लॉग में एंड सारी अपडेट आपको मैं ज़रूर देती रहूँगी. सो इज इट टुडेज़ व्लॉग. बाय द वे आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. सो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो. And we'll meet in our next video soon. Till then, take care. Bye bye. Good night.